नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। पिछले कुछ सालों से डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड काफी ज्यादा चल रहा है। आजकल लोग घर से दूर जाकर किसी सुंदर जगह पर शादी करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और कई ऐसे लोकेशन हैं जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए मशहूर हैं। शादी के बंधन को यादगार बनाने के लिए गोवा, मनाली, राजस्थान की तरह अब उत्तर प्रदेश भी डेस्टिनेशन वेडिंग का नया हब बनने जा रहा है। यहां पुराने ऐतिहासिक किलों, महलों व पवित्र धर्म स्थलों पर शादी की शहनाइयां बजेंगी। यूपी बनेगा वेडिंग डेस्टिनेशन स्टेट। पुराने किलों, महलों में बजेंगी शहनाइयां। विदेशी लोग भी भारतीय रिवाज से लेंगे साथ में। आगरा बनेगा डेस्टिनेशन वेडिंग हब। देश विदेश के सेलिब्रिटीज अपनी शादी को बनाएंगे यहां पर यादगार। शादी की तैयारियों में सबसे जरूरी है शादी की लोकेशन। हर कोई अपनी शादी को यादगार बनाना चाहता है और ऐसी जगह सिलेक्ट करना चाहता है जो थोड़ी हटकर। भारत में डेस्टिनेशन वेडिंग का क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है। देश के अलावा विदेशों से भी कपल भारत आकर शादी के बंधन में बंध रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भारत को दुनिया भर में डेस्टिनेशन वेडिंग का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दुनिया भर में भारत की वेडिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, साथ ही विदेशी कपल को अपना ये खास दिन भारत में मनाने के लिए प्रेरित करना है। यूरोप, गोवा, राजस्थान की तरह अब उत्तर प्रदेश भी डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनेगा। यहाँ पर पुराने किलों और धर्म स्थलों पर शहनाइयां बजेंगी। विदेशी लोग भी भारतीय रीति रिवाज से साथ फेरे लेंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग है ना, किस तरीके से प्लान करें। बहुत जगह प्लान करते हैं, विदेशों में जाते हैं या देश के अन्य राज्यों में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बहुत पोटेंशियल है। अगर हम देखें तो आगरा स्वयं जो है एक मोहब्बत की नगरी, एक प्यार का प्रतीक यहाँ पर है। तो लोग जो शुरुआत कर रहे हैं अपनी शादी ब्याह की, किस तरीके से इन डेस्टिनेशन आ सकते हैं। बगल में जो है हमारे यहाँ पे मथुरा वृंदावन है, वहाँ पर स्पिरिचुअल टूरिज्म के साथ ही साथ, जैसे हम कहते हैं कि जीवन में 16 संस्कारों को लेकर आदमी चलता है और विवाह उसमें से एक संस्कार होता है, तो उसके लिए यह एक बहुत ही उपयुक्त जगह होता है। अयोध्या जो बहुत तेजी से इस समय आदर्श जो युगल के तौर पर हम देखते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता माता को, तो उसका जो प्रतीक है उसको अगर पति पत्नी अपने आप में एक आदर्श युगल के तौर पर स्वीकार करते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। यूपी में राजसी, ठाटबा और सांस्कृतिक विरासत के जरिए शादी को यादगार बनाने वाले बहुत ही आकर्षक स्थल मौजूद है। ये डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में उभर सके। इन महलों और किलों को वैवाहिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना पर कार्य हो रहा है। जिस तरीके से पूरे प्रदेश में पर्यटन उद्योग के पंख लगने की बात हो रही है, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध प्रदेश है। बस यहाँ पे जरूरत है ब्रांडिंग्स की। उसका गेटवे मैं आगरा से देखता हूँ और हम आगरा से पूरी वेडिंग फेटर्निटी, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश की वेडिंग फेटर्निटी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करती है कि पूरे उत्तर प्रदेश को डेस्टिनेशन वेडिंग स्टेट के रूप में घोषित किया जाए और तमाम जिले ऐसे चिन्हित किए जाएं जहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषणा हो। आगरा इंडिया के सर्वश्रेष्ठ वेडिंग स्टेशन में है। हम जानते हैं कितना समृद्ध है, यहाँ का ताजमहल का वर्ल्ड में नाम है। यहाँ और भी अलग यूनेस्को जो मोन्यूमेंट्स हैं, लाल किला और फतेहपुर सीकरी, यह सब हैं आगरा के अंदर। इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म में स्वामी विभाग बहुत अच्छा बना है, हम सब जानते हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि यहाँ एक पॉजिटिव ऊर्जा बनी है। अब जैसे राजस्थान के बारे में लोग कहते थे कि वह एक यूपी का, वो इंडिया का बेस्ट डेस्टिनेशन है, अब थोड़े समय में आगरा होगा, यूपी होगा और सारी चीजें जो होनी चाहिए वो यहाँ है। सिर्फ एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत थी जो आज सब लोगों को यहाँ मिली है। मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ 2 साल के बाद आप देखना लोग कहेंगे आगरा शादी नंबर वन। सिर्फ यूपी नहीं, भारत में कई ऐसी लोकेशन जहां पर विदेशों से भी डेस्टिनेशन वेडिंग करने के लिए लोग आते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग के मामले में राजस्थान की हेरिटेज लुक में बने होटल और रिजॉर्ट लोगों को खूब पसंद आ रही है। यहां देश के विभिन्न प्रांतों के लोग आकर अपनी शादी धूमधाम से करके हमेशा के लिए यादगार बना रही है। मनाली को भी लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लोकेशन के तौर पर खूब पसंद कर रहे हैं। देश नहीं, विदेश से भी लोग यहां पर आकर शादी कर रहे हैं। यही नहीं,
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए गोवा भी लोगों को खूब भा रहा है। गोवा लग्जरी वेडिंग डेस्टिनेशन में से एक है। इस समय यहाँ पर कई तरह की एक्टिविटी का आयोजन किया जा रहा है। ये कुछ ऐसी लोकेशन जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोगों को खूब भा रही है। अब इस लिस्ट में यूपी का आगरा भी शामिल हो रहा है। आगरा के लाल किले में कपल 7 जन्मों के बंधन में बंधेंगे और इससे यूपी का पर्यटन भी बढ़ेगा।